हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्शन। वी लुकअप की वीडियो सीरीज में हमारा ये आठवां वीडियो है, जहां हम बात कर रहे हैं वी लुकअप के बारे में, मतलब कि कंप्लीट लुकअप मेथड के बारे में। तो आपको कंप्लीट वीडियो सीरीज चाहिए शुरू से, तो आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। मोबाइल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड्रॉइड एंड आईओएस दोनों पे अवेलेबल है। तो फटाफट डाउनलोड कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सीरीज आने वाले हैं हमारे इस चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। Recording in progress. तो पिछली वीडियोज में हमने बताया था आपको मैच और इंडेक्स के बारे में। मैच और इंडेक्स, जब वी लुकअप के अंदर हमारे पास जो डेटा है, वो डेटा अगर आपके पास बीच में है, उसकी आईडी डेटा के अंदर जो आईडी है, जो यूनिक आईडी है, वो अगर बीच में है, तो वी लुकअप वर्क नहीं करता है। इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है मैच इंडेक्स, या लेटेस्ट एक्सेल का एक्स लुकअप, जिसके बारे में अभी हमने बात नहीं की है। आगे की वीडियोज में इसके बारे में बात करेंगे, बट इसी सीरीज के आगे वीडियोज में। इंडेक्स में एक प्रॉब्लम है कि मुझे पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन जब ऑफिस के अंदर आप काम करते हैं, तो आपका डेटा डायनेमिक होता है, वो चेंज होते रहता है। ऐसे केसेस में हमें कुछ ऐसा करना है कि मेरा डेटा अपडेट हो जाए, मुझे बार बार रेंज चेंज करने की जरूरत न पड़े फॉर्मूले के अंदर। उसके लिए ऑफसेट इस्तेमाल करें। सबसे पहले समझिए कि ऑफसेट फॉर्मूला करता क्या है। देखिए, यहां पे मैंने मान लीजिए कि रो नंबर हमने दिया वन, रो नंबर हमने दिया वन, और यहां पे लगाया फॉर्मूला इक्वल ऑफसेट। ऑफसेट में हमने इसको सिलेक्ट किया, एंड कॉमा हमने दिया अपना रो नंबर वन एंड कॉमा जीरो। तो एंटर मारते ही ये देखिएगा आपका डेटा आ गया। तो ऑफसेट ने क्या किया, ऑफसेट ने यहां ए वन से चला, और यहाँ पे वह एक रो, मतलब कि जीरो एंड वन रो का डेटा यहाँ लाके दे दिया, एंड सेम कॉलम। अगर यही चीज मुझे यहां लगाना हो, तो लगाएंगे ऑफसेट, और यहां भी हम सिर्फ स्टार्ट ऑफ द डेटा को सिलेक्ट करेंगे, और जो मेरा रो नंबर है वो रो नंबर वन हो जाएगा, कॉलम नंबर हो जाएगा जीरो एंड वन, यहाँ पे डालिएगा तो वन आ। सेम उसी तरह से यहां पे हम देंगे ऑफसेट, इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला रो नंबर वन या टू थ्री फोर जो भी है, एंड कॉलम नंबर जीरो वन टू, हमने यहाँ पे टू डाला और प्रेस दिया है। इस तरह से आप ऑफसेट फॉर्मूला लगा सकते, लेकिन ऑफसेट मैच का इस्तेमाल करके आप एक वी लुकअप या एक मैच इंडेक्स वाला फॉर्मूले की तरह बिहेव करवा सकते हैं। कैसे, देखिए, मुझे 107 का ईस्ट जोन चाहिए। 107 का क्या चाहिए, जोन चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहां पे मैच फॉर्मूला लगाया। क्या लगाया फॉर्मूला, मैच। मैच फॉर्मूले में हमने बोला कि जो 107 है हमारे कॉलम डी में, उसका रो इंडेक्स नंबर ला। तो रो इंडेक्स नंबर जो कि 9 है यहां, अब यहां पे मैं सिंपली लगाऊंगा फॉर्मूला ऑफसेट। अब जैसे इंडेक्स में पूरा डेटा सिलेक्ट करना होता था, हम पूरा डेटा नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम सिर्फ सिलेक्ट करेंगे एक सिंगल सेल जो कि ए वन है, और यहाँ पे इस रो नंबर का जो 9 नंबर है उसको लिया, और कॉलम नंबर हमने लिया 0 1 2 3 4 5 6, 6, और एंटर प्रेस किया। बट वेस्ट आ रहा है, क्या सही है? आप अगर देखें तो यहाँ ईस्ट है, गलत है। क्यों? क्योंकि हमने 9 नंबर रो दिया, तो इसने क्या किया, यहां से काउंट शुरू किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि जो 9 था, ए 9 था, इसके लिए 10 हो गए, और जो 10 था, जो 8 था, वो 9 हो गया। मतलब कि ये जीरो से काउंटिंग शुरू करता है। अगर आप रो नंबर 9 देना चाहते हो, तो ऑफसेट में आपको एक कम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक कम। अगर एक कम नहीं दोगे, तो उसके नीचे वाला रो नंबर आपको शो कर देगा, आपका डेटा शो नहीं कर। आप अब क्या कीजिए,
इस मैच फॉर्मूले को यहां से कॉपी कीजिए और यहां पे इंप्लीमेंट कर दीजिए। तो अगर शुरुआत में दिक्कत हो रही है तो आप अलग अलग लगाइए, जब फॉर्मूला रिजल्ट दे दे तो आप इसके अंदर डाल दीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे सोल्ड क्वांटिटी को लुकअप करना है, जो वी लुकअप से, लोन तो वी लुकअप से हो सकता था बट सोल्ड क्वांटिटी वी लुकअप से नहीं हो सकता है। ऐसे केस में हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका, ऑफसेट का। ऑफसेट में हम इसको सिलेक्ट किया कॉमा, हमने रो नंबर, यहां पर रो नंबर की जगह पे डायरेक्ट मैच का फॉर्मूला लगाया, मैच में 107 को लिया और हमने अपनी आईडी नंबर को सिलेक्ट कर लिया और यहां पे कॉमा 0 किया। अब यहां पे मैं मैनुअली सोल्ड क्वांटिटी का रो नंबर 2 डाल सकता हूं, लेकिन यहां पे क्या करना, एक माइनस करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं 012, या फिर मैं यहां भी मैच लगा सकता हूं जैसे कि हमने वी लुकअप और मैच लगाया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में। तो मैच हमने लिया, सोल्ड क्वांटिटी को लुकअप करो इसके अंदर, इसके अंदर, लेकिन इसकी भी रिजल्ट में हमें माइनस करना है और एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए आपके पास 1036 आ गया। हालांकि ऑफसेट का यूज हम आगे भी बहुत सारे केसेस में करते हैं और इस सीरीज में हम ऑफसेट की भी कई सारे यूजेज आपको बताएंगे आगे की क्लासेस में। तो बने रहिए हमारे साथ, प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कीजिए अपने ऐप से और फटाफट को ट्राई कीजिए। कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। जो लोग मेरी वीडियोज को यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा ऐप डाउनलोड कर ले, जहां पे आपको इसकी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी और सारे वीडियो सिक्वेंस मिल जाएंगे। थैंक यू।